वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझ चुके हैं और इस टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने देखा लास्ट क्लासेस में कुछ इस तरीके से। तो आज की क्लास में देखने से पहले आपको पीछे क्लासेस को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इन क्लासेस को अगर आप देखते हैं पीछे तो आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तो आइए अब हम अपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सवाल यह है सर, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्या है? आइए पहले इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मुझे पूरे साल चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी फॉर्म है, अगर वो पूरे साल प्रोडक्शन करती है तो उसको अपने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चीनी बना रहा हूं तो मुझे गन्ने की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल यह है कि आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, तो पूरे साल में मैं जितना प्रोडक्शन करता हूं या पूरे साल में मैं अपना जितना आउटपुट मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे जितने इनपुट के रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतने गन्ने के रिक्वायरमेंट पूरे साल में, सवाल यह है कि क्या उसको बाय कर करके स्टॉक किया जाए? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर चीजों का प्रोडक्शन करती है तो उसका रॉ मटेरियल अपने पास में रखती है। तो अगर मुझे पूरे साल में मुझे मालूम है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है गन्ने की, तो उसको मुझे स्टॉक करने की रिक्वायरमेंट है। तो सवाल यह है कि उस पूरे क्वांटिटी को मैं अपने पास में अगर स्टॉक में रखता हूं, उसको स्टोर करके रखता हूं, तो मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। एक तो पूरे साल में जो चीजें बनेंगी, जो 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक जो बनेगी, उसके लिए माल अगर मैं स्टार्टिंग में ही ले आऊंगा तो एक तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैंने उधार पे लिया हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ रहा है। अगर चलो अपना पैसा भी लगाया तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है मेरे पैसे पर, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे कुछ कॉस्ट यहां पर अफोर्ड बेयर करनी पड़ेगी अननेसेसरी। अब देखिए, आपको समझिए, इस महीने में जितने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे उतने ही इनपुट्स रखने चाहिए अपने पास में एक पाल के लिए। आप समझिए, अब 12 महीने का इनपुट्स ला के रख दूंगा तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा यहां पर, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन दूसरी तरफ तो इसीलिए, और दूसरी बात तो क्या, मैं अपने पास में स्टॉक करके रख रहे हैं तो उसके खराब होने की टेंशन है। एक तो वो स्पेस भी ज्यादा कवर करेगा तो फिर हमें जो है उसके लिए गोडाउन के भी रिक्वायरमेंट है, उस गोडाउन का रेंट अलग से जाएगा, उसके रख रखाव का खर्चा अलग से होगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट को हम यहां पर कम कर सकते हैं। कैसे? कि इनपुट्स को बल्क में ना ला करके उसको जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नंबर ऑफ राउंड्स में लाए जाए, सारे इनपुट्स को एक बार नहीं लाया जाए। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर इनपुट्स को अगर हम बार बार लेकर आएंगे तो इस पर हमारा जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आएगा। अब इनपुट्स तो ऐसा नहीं हमने बोला प्रकट हो गया, उसको मार्केट में जाएंगे तो जाने का, आने का, माल लोडिंग का, ये एक्सपेंस भी मेरा अननेसेसरी डेवलप होगा। तो सवाल ये है कि मुझे किस तरीके से अपने स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ ऐसे स्टॉक को मेंटेन करो कि आपका कॉस्ट उस स्टॉक के ऊपर कम से कम किया जा सके। सारा माल आप बल्क में तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, तो कुछ उसको नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ रोटेशन इतने ज्यादा भी नहीं करने हैं जिससे कि मेरा फेयर कॉस्ट ही बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ राउंड भी उस हिसाब से रखना है, कॉस्ट की क्वांटिटी भी उस हिसाब से रखनी है जिससे कि मेरा कॉस्ट जितना मिनिमम हो सके वो मिनिमम किया जा सके। तो सवाल है कि मुझे एक रोटेशन में कितना माल उठा करके लाना चाहिए? भैया उतना उठा के लाना चाहिए जिससे कि आपका कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो किसे क्वेश्चन देखिए, आप फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप एक स्लॉट में कितनी क्वांटिटी कैरी करेंगे, एक स्लॉट में कितनी क्वांटिटी आप लेकर के आएंगे जिससे कि आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम हो। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें कुछ टर्म्स है, द एनुअल डिमांड इज द 24,000 यूनिट्स। खैर एनुअल डिमांड को आप समझते कि क्या होता है। अब यहां पर कॉम्पोनेंट्स क्या है, कुछ टर्म समझ लीजिए।
कंपोनेंट क्या होता है। इसे बच्चे मान लीजिए कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं तो उसकी जो एक यूनिट है मुझे खरीदने में, जो उसके पर यूनिट है, पर यूनिट भाई बाजार में खरीदने जाऊंगा रॉ मटेरियल, तो उसका कुछ तो दाम होगा ही ना। जो उसका दाम होगा, मान लीजिए कि उसकी जो कीमत है वो है 5 रुपए, ठीक है। और ऐसे में 100 यूनिट को मुझे रिक्वायरमेंट है, तो 100 यूनिट को बाय करने में कितना पैसा लगेगा, इसमें वो सब हटा दो कि मेरे स्टोर करने में मेरा ट्रेवलिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, फेयर क्या आ रहा है, वो सारी चीज हटा दो, बस उस सामान को बाय करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मुझे कितने का 500 रुपए खर्चा आ गया उसको बाय करने में। इसी को हम कॉम्पोनेंट कॉस्ट कहते हैं। बात समझ गए, क्लियर है? अब कॉम्पोनेंट कॉस्ट आपको क्लियर है। दूसरा आ जाता है आपके पास में प्लेसिंग ऑर्डर, कि एक ऑर्डर में कितना कॉस्ट आएगा। प्लेसिंग ऑर्डर समझते हैं क्या होता है। प्लेसिंग ऑर्डर, अब मुझे एक बार बताइए बच्चे, मैं वो सब एग्जांपल अलग अलग है, उसको कोई लिंक नहीं है, अलग से समझा रहा हूं मैं आपको। प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है? प्लेसिंग ऑर्डर में छोटा सा एग्जांपल दीजिएगा कि एक राउंड जब लगता है मेरा सामान लेने का, तो उसके अंदर मैं 6 यूनिट माल उठाता हूं, ठीक है, क्लियर है। और टोटल मेरी रिक्वायरमेंट है 60 यूनिट की, मुझे 60 यूनिट माल उठाना है, बट 60 यूनिट एक बार में लेकर के आऊंगा तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना 60 यूनिट पे। मुझे अभी तो पूरा 60 यूनिट में यूज करने वाला हूं नहीं अपने फॉर्म के अंदर, तो मैं क्यों 60 यूनिट इकट्ठा उठा के लिया। तो मैं एक बार में 6 यूनिट लेकर के आ रहा हूं, एक बार में जो 6 यूनिट लेकर आ रहा हूं, इसी को इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर है। अब यहां पर आप देखिएगा, मुझे 60 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और एक बार में कितने लेकर के आ रहा हूं मैं, 6 यूनिट। और एक राउंड का जो कॉस्ट आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ 1 राउंड, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि होता है ना कि फेयर, माल लोडिंग करवाना और एक्स वाई जेड जो भी कॉस्ट आता है, एक राउंड का जो कॉस्ट है मेरा 4 रुपए का है। तो बताओ, इस आपका सिंपल सवाल पूछा है मैंने कि एक बार में 6 यूनिट उठाऊंगा, 60 यूनिट माल पूरे साल में इस तरीके से लेकर के आना है, और एक राउंड में मेरा जो है फेयर वगैरह जो है इसको, इस पर जो खर्चा मेरा आ जाता है वो 4 रुपए का खर्चा आ जाता है एक बार में फेयर वगैरह का। तो पूरे 60 यूनिट को उठाने में पूरे साल में मैं कितना रुपए फेयर पे दे दूंगा, ऑर्डर पे कितने रुपए मेरे चले जाएंगे एक साल के अंदर, इसका आंसर करेंगे। तो आप बिल्कुल सही आप ये कहोगे, क्या कहोगे आप? आप कहोगे सर टोटल आउटपुट, जो टोटल डिमांड, आप कह सकते हैं इसको टोटल डिमांड। आप क्या करोगे, आप ऐसे तो करोगे 60 और एक बार में 6 आ रहा है, तो 60 को उठाने में कितने राउंड लगेंगे, 6 राउंड लग जाएंगे, और एक राउंड में 10 राउंड लग जाएंगे, और एक राउंड में 4 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 10 राउंड में 40 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो आपने क्या करा है, आपने बच्चे क्या करा है? उसको बता रहा हूं। आप बेसिकली प्लेसिंग ऑर्डर पूरे साल का, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आप क्या कर रहे हो, ये क्या था आपके पास में 60 टोटल डिमांड, टोटल डिमांड नीचे क्या है आपका 60/6, ये क्या है आपके पास में एक राउंड में कितना माल आप उठा करके ला रहे हो, है ना, मतलब EOQ, क्लियर है। और इनटू में एक राउंड का आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है 4, तो इसे क्या कहते हैं आप, इसे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मूला बन गया आपका, कि टोटल डिमांड कितनी है और EOQ से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कितने राउंड की रिक्वायरमेंट है, और एक राउंड पे इतना खर्चा आता है, टोटल राउंड में पूरे साल में कितना खर्चा आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको यहां पर प्लेसिंग ऑर्डर की कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर निकालना आ गया, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आपको निकालना आ गया, इसका फॉर्मूला समझ में आया क्या है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का। और एक हमारा होता है इसमें द फैक्ट्री इंपोर्टेड 24% इन्वेंट्री कैरिंग रेट। अब यहां पर सवाल है कि कैरिंग रेट क्या होता है, कैरिंग
केयरिंग रेट क्या होगा, एक एक करके सभी बातों को समझेंगे आप। तीन चीजें होती है नोडल, केयरिंग, कॉस्ट ऑफ केयरिंग। अब भैया ये तो हो गया कि उस माल को खरीदा तो मेरा कितने पैसे उसको खरीदारी में लगेंगे, वो तो लगेंगे लगेंगे, चाहे एक बार में लाओ चाहे 10 बार में लगाओ, जो उसका दाम हो तो देना ही पड़ेगा, तो वो कंपोनेंट कॉस्ट हो गया, क्लियर है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितना लगेगा उसका फॉर्मूला बता दिया। अब माल जो मेरे पास में आया है इसे केयर करने में भी तो खर्चा आएगा भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आएगा, गोडाउन का रेंट वगैरह जो भी है। तो केयरिंग कॉस्ट क्या होता है आपके पास में, यह आपको दिया हुआ होता है केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, ये एक फिक्स फॉर्मूला है क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि कितना राउंड कितने खर्चे आएंगे, तो एक फिक्स फॉर्मूला बना रखा है ऑन एन एवरेज कि ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय टू केयरिंग केयरिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। बात समझे, तो कॉस्ट ऑफ केयरिंग इसका बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, ईओ क्यू डिवाइडेड बाय टू, उन्होंने एवरेज लेते थे डिवाइडेड बाय टू करते, फिक्स रहेगा हमेशा। और केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे कितना आ रहा है और इससे पूरे के पूरे स्टॉक का केयरिंग कॉस्ट कितना होगा वो आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास में सवाल ये रहा, तो क्वेश्चन क्या समझिएगा, अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। एक फैक्ट्री ये फॉलो कर रही है, एक बार सारा माल उठा के नहीं ला रही है, स्लॉट वाइज माल लेकर के आ रही है। अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम फॉर मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टॉक को मेंटेन करती है और ईओ क्यू फॉलो करती है। द एनुअल डिमांड इज फॉर द 24,000 यूनिट्स, पूरे साल में उसको 24,000 यूनिट्स ही होता है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 300 रुपीज, एक रोटेशन का खर्चा आपका 300 रुपए आ जाता है। एंड द कॉम्पोनेंट कॉस्ट इज 60 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट को खरीदने का खर्चा 60 रुपए। द फैक्ट्री हैज इंपोर्टेड 24% एज द इन्वेंट्री केयरिंग रेट, एक यूनिट को केयर करने पर उसको 24 रुपए का 24% का खर्चा आ जाता है। डिटरमाइन द ईओ क्यू, मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू एंड द ऑप्टिमम इंटरवल फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर, अज्यूमिंग द ईयर इज द इक्विवेलेंट टू 360 डेज, उसको छोड़ो एक साल की बात तो इसमें रहती है। तो बच्चे ईओ क्यू कह रहा है कि एक दो सवाल पूछ रहा है इसमें कि एक स्लॉट में कितनी मात्रा उठा करके लाऊं जिससे मेरा कॉस्ट कम से कम रहे इन सब चीजों पर, और दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी बार राउंड लगेगा जिससे कि मेरा कॉस्ट मिनिमम रहे। राउंड तो मैं 1,000 भी लगा सकता हूं बट उससे तो बाकी कॉस्ट तो बढ़ेंगे ना, तो उस हिसाब से आप निकालिए क्वांटिटी, एक स्लॉट में कितनी क्वांटिटी रहे और इस तरीके से कितने राउंड लगेंगे माल उठाने में, ये दो सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कभी भी आप ईओ क्यू, मैं मान लेता हूं कि एक राउंड में आप कितने यूनिट माल उठा रहे हो, एक्स यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी आप ले रहे हो, ये लेट कर लिया मैंने, ये चीजें लेट की गई है, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं, सबसे पहला काम है आप अपना टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, कॉम्पोनेंट कॉस्ट भैया, जो आपका चाहे आप एक बार में लाओ चाहे धीरे धीरे लाओ, जो उसकी खरीदारी पे खर्चा आएगा वो तो आएगा ही ना आपका। तो टोटल कंपोनेंट कॉस्ट आप लेंगे, क्या टोटल कॉस्ट के लिए आपके पास में टोटल कंपोनेंट कॉस्ट और टोटल कंपोनेंट कॉस्ट प्लस इसके बाद आपके पास में दूसरा आपके पास में क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड एंड पोस्ट प्लेसिंग ऑर्डर, दिस टोटल कॉस्ट प्लेसिंग ऑर्डर और प्लस में केयरिंग कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आएगा। क्योंकि एक माल को मैं जब ला रहा हूं उठा करके तो उसको खरीदने में जो पैसा खर्चा होगा, एक वो माल को लेकर के आने में जो खर्चा होगा, वो रख रखाव में जो खर्चा होगा, वो तीनों खर्चे ही हमारे मिलाकर के टोटल कॉस्ट बनते हैं, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले तो टोटल कंपोनेंट कॉस्ट कितना आएगा, आपको पता है कि एक यूनिट कितने में खरीद के ला रहा हूं, टोटल
क्वांटिटी कितनी है, 24,000 यूनिट लेकर के आ रहा हूं, और एक यूनिट को कितने में खरीद के ला रहा हूं मैं, 60 रुपीज पर यूनिट है ना आपका कंपोनेंट कॉस्ट एक यूनिट पे 60 का, तो मोटा मोटा 24,000 रुपए तो इतना पैसा मेरा लगेगा लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस टोटल प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट, तो मैंने क्या बताया था आपको प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट, कि आपका एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड क्या है आपके पास में 24,000 अपॉन ईओक्यू, अपॉन ईओक्यू क्या होगा मेरे पास में एक्स, क्लियर है, और इनटू एक रोटेशन का कॉस्ट कितना आ रहा है, 300 रुपए आ रहा है, एंड प्लस केयरिंग कॉस्ट क्या बताया था मैंने, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू केयरिंग कॉस्ट क्या बता रहा है, जो बता रहा है द फैक्ट्री हैज द इनपुटेड 24% एज द इन्वेंट्री केयरिंग रेट, तो 24% किस चीज का, तो एक यूनिट का जो दाम है 60 रुपए उसका 24%, ये तो फिक्स रहेगा, ये ऑलवेज फिक्स रखने वाली चीज है, बात समझे, क्लियर है। क्लियर है जी, कोई डाउट आपको, तो यहां पर बच्चे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा आपका, तो टीसी इक्वल्स टू आपका 6 × 24, 2 × 12 और 2 × 14, ठीक है। बीच 120 और 6 × 14, ठीक है, 144,000 तो ये हो गया, और यहां पर 72,000 बटा x, और यहां पर x बाय 2 इंटू ये क्या होगा मेरे पास में, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 12 हो गया, और 12 × 6 = 72, क्लियर है, 7.2 आएगा, 60 का 24%, ठीक है जी, 60 का 24% ओहो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 7.2 आ गया, बात समझ गए। लेकिन अभी मैंने टोटल कॉस्ट निकाला है अपना, मुझसे टोटल कॉस्ट थोड़ी पूछ रहा है, ये मुझसे ईओक्यू पूछ रहा है कि एक राउंड में कितना माल उठा करके ला, आइए देखते हैं। अब आप क्या करोगे यहां पर, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये निकालोगे, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट क्या है 144,000, आपको पता नहीं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी बात समझिएगा, अगर फिक्स कॉस्ट मेरे पास में नहीं भी हो तब भी डेरिवेटिव लेने में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि है भी तो जीरो बन जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद, आप भी जानते हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव मेरे पास 44,000 रुपए प्लस आपके पास में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप इसका डेरिवेटिव जानते हैं, जब भी नीचे एक्स होता है तो इसके पावर से माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72,000 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है जी। यहां डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि आपके पास में जो वेरिएबल होता है तो सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर रह जाता है, एक्स बाय टू तो सॉल्व कर दिया ना, गड़बड़ कर रहे थे ना यहाँ पर आप, प्लस ये सिर्फ कितना है मेरे पास में 7.2x, तो प्लस 7.2 मैंने डेरिवेटिव कर दिया क्या इसका, चल गड़बड़ कल लिखूंगी, प्लस 72,000 बटे एक्स प्लस 7.2x इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। आइए तो d अपॉन डी एक्स किसका, कॉस्ट फंक्शन का क्या आएगा, 0 0 प्लस हो जाएगा -72,000 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 7.2, ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करना है आपको, डेरिवेटिव ले लिया आपने बट अभी तक आपके पास ईओक्यू की वैल्यू नहीं आई है, तो अब क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ये तो अब आप क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव आप लेते हैं डी, अब यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या लगता है, ई ओ क्यू इक्वल्स टू बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, क्या लिख देता हूं,
ई ओ क्यू इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स किसका, होस्ट फंक्शन का, इक्वल्स टू जीरो। यहां से आप अपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर मैं ई ओ क्यू निकाल रहा हूं, तो वो कैसे निकालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस्ट फंक्शन का ना, इक्वल्स टू जीरो पुट करना है मुझे। तो यहां पर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, माइनस 72,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7.2 इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करते हैं, माइनस 72,000 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 7.2, माइनस से माइनस कट गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72,000 अपॉन 7.2। पॉइंट हटा करके यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 72 से 72 कट गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया आपके पास में, 10,000। हाँ जी 10,000 आया, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, ओहो दो जीरो और आना था ना यहाँ पर, 300 से मल्टीप्लाई करना रह गया था ना हमारे पास में, 300 तो हमने छोड़ ही दिया यहाँ पर, मैं थोड़ा पतला करके देखता हूँ, आप मैं कमेंट पे ध्यान नहीं था। तीन सौ इंटू भी होगा, बात समझ गए, मैं इसको प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 72 और दो जीरो ये भी तो आएगा अपॉन एक्स, ठीक है जी, दो जीरो, दो जीरो यहां पर क्या रहने वाला है, दो जीरो, दो जीरो, ठीक है जी, दो जीरो, दो जीरो। अब x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में, इसका अंडर रूट, तो कभी भी अंडर रूट निकालेंगे तो जीरो छह है तो आधे हो जाते हैं रूट में, तीन जीरो, तो x क्या है मेरे पास में, 1000, क्लियर है जी, x क्या है मेरे पास में, 1000। तो x मेरे पास में 1000 आ गया, इसका मतलब ये कि एक स्लॉट में मुझे 1000 यूनिट्स को उठाना चाहिए, जिससे कि मेरा कॉस्ट मिनिमम रहेगा, क्लियर है। अब आपके पास में मेरा ये मिनिमम रहेगा नहीं रहेगा, वो कैसे प्रूफ होता है, वो इस बात से प्रूफ हो जाता है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कैसे प्रूफ होगा, सेकंड डेरिवेटिव यहां पे स्टक हो रहा है बार बार आज, सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो डी टू होस्ट अपॉन डी एक्स टू, तो सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो इसका ये क्या रहेगा मेरे पास, पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 और 2 4 और ये आपका 5 0, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना क्योंकि माइनस टू से मल्टीप्लाई जाएगा, पता है ना आपको, कभी भी नीचे एक्स हो तो क्या होता है, इसके पावर को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे पावर में एक ऐड कर दो, ठीक है, और ये आपका जीरो हो गया। तो ये आपके पास पे क्या, ये ग्रेटर देन जीरो है ना, तो हाँ यहां पर आपका एक प्रूफ होता है कि ये आपका जो है इस पे कॉस्ट आपका मिनिमम रहेगा। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि इसको कितने राउंड लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन कैसे लोगे, पूरे 24,000 यूनिट माल उठाना है आपको, और एक बार में आप 1000 यूनिट माल उठा रहे हो तो 24 आपका ऑर्डर देने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स 24। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा टोटल कॉस्ट है, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसको एक और तरीका है ई ओ क्यू फाइंड करने का, डी अपॉन डी एक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हो, डेरिवेटिव लेने वक्त में टोटल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट का हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी आप ये काम कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर निपतन करेगा, तो इसका होना या ना होना कोई फर्क आपके सवाल पे नहीं डालेगा। अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं भी होगी तो आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों को लेकर के चलिए आप टोटल प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट आप देख लीजिएगा और केयरिंग कॉस्ट से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
और फिक्स कॉस्ट का डेरिवेटिव लेने का तो वैसे भी जीरो हो जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है जी, बात समझ रहे? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। अभी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इसके बारे में पढ़ना है, अभी हमें रिवेन्यू पढ़ना है, तो दो तीन टॉपिक अभी हमें पढ़ना है जिससे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाए, और उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन वाले टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक पर हम आ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेट करता है इंटीग्रेशन, तो उस टॉपिक से भी हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो ज्यादा नहीं, इंटीग्रेशन में हमें 25 सवाल के आसपास करने हैं। इंटीग्रेशन के टॉपिक में मैं 25 सवाल पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं अगर डेली बेसिस पे तीन सवाल भी उसमें से अगर कवर करवाता हूँ आपको, तीन चार सवाल, तो मेरे हिसाब से मैं आराम से 8-10 दिन के अंदर इंटीग्रेशन को भी खत्म कर दूंगा। इस टॉपिक को मैं 5 तारीख तक 6 तारीख तक खत्म कर करके 15-16-17 मैक्सिमम ले लीजिए 20 तारीख तक अपना खत्म कर दूंगा। और आप क्लासेस नहीं देख सकते हैं 12-13 तारीख से, इस बात को मैं मानता हूं, बट मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है? अगर आप क्लास नहीं देख सकते कोई बात नहीं, आप 25 तारीख को आपका पेपर है, उसके बाद आपका सीधा 31 को है, तो फिर वो 5-6 दिन में आप अपनी क्लासेस को देख लीजिएगा। मैं क्लासेस सारे के सारे आपके, तो मैं पूरा कोर्स कंटिन्यू रखूंगा। 12-13 तारीख से क्लास नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मत देखिएगा, आपका जो पेपर है आप उस पर फोकस कर लीजिएगा, बट मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है? 25 के बाद बात करते हैं 26 से लेकर के और 31 तक में क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, लाइक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अगर हम है तो उसके पिछले 4 साल के क्वेश्चन कर लेंगे, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के पिछले 4 साल के क्वेश्चन कर लेंगे, इसके पिछले 4 साल के सवाल कर लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो हम 5-6 दिन में फोकस इसी पे करने वाले हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, 100%। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें जल्दी से। हेलो, ठीक है जी, ये हुआ या नहीं हुआ बच्चे, बताओ, करो थोड़ा तेजी में। बिल्कुल सही, वेरी गुड साक्षी तनवर, डन बच्चों। हाँ जी देखें जरा, अ टायर डीलर एक्सपेक्ट्स टू सेल द 6,000 टायर ड्यूरिंग द ईयर, तो इसकी जो एनुअल डिमांड है, कितनी है? 6,000 है, विद सेल्स अकरिंग एट द रिलेटिव कॉन्स्टेंट रेट। अब किस रेट से वो बेच रहा है यूनिट को वो मुझे नहीं मालूम। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 8 रुपीज है, ठीक है? पर एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द होलसेलर कॉल्स फॉर द अ फ्लैट फी, मतलब कि अगर उसको लाने के लिए कॉल्स फॉर अ फ्लैट फी पर ऑर्डर, पर ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, 60 रुपए। हाउ मैनी टाइम्स पर ईयर, एक साल में कितनी बार उसको ऑर्डर करना चाहिए, इन व्हाट लॉट ऑफ साइज, एक लॉट में कितना क्वांटिटी रखना चाहिए। तो आइए
यहाँ पर सबसे पहले मुझे मालूम नहीं कि एक यूनिट कितने में वो बाय कर रहा है, तो यहाँ से मैं जो है कॉम्पोनेंट कॉस्ट नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकाल सकता तो नहीं निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। वेरिएबल सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर दो चीजें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास में ये नहीं मालूम कि एक यूनिट पे कॉस्ट कितना जाएगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो जिसमें कि मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हैं यहां पर, तो आपके पास है सबसे पहले क्या कि एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो आपको पता है कि क्या है कॉस्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर। तो आइए सबसे पहले आप क्या लेट करेंगे, लेट कर लीजिए ई ओ क्यू, आपका क्या है एक स्लॉट में, एक लॉट में आपका जो है एक्स यूनिट्स आप माल लेकर के आते हो, ठीक है। और टीवी से निकालते हैं, तो टीवीसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लस आप निकालेंगे यहां पर होल्डिंग कॉस्ट, दो चीजें। तो टीवीसी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, तो कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, आप लिख देना पेपर में सब कुछ, यहाँ पे मैं स्पेस कम रहता तो मैं कम लिख रहा हूँ, X और इनटू में एक ऑर्डर कितना हो रहा है आपके पास में पर ऑर्डर 60 एंड प्लस होल्डिंग कॉस्ट आपका 8 रुपए तो है ही, एक चीज तो हमेशा करनी है क्या, X अपॉन 2 इनटू 8, ठीक है। ये X अपॉन 2 तो ऑलवेज आएगा और एक बार जो लग रहा है वो 8 परसेंटेज भी आता है, डेटा दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे इसका, तो डी अपॉन डीएक्स किसका वेरिएबल कॉस्ट का, तो डी अपॉन डीएक्स किसका वेरिएबल कॉस्ट का, जो कि क्या है आपका 36 और 40 अपॉन एक्स प्लस क्या है आपका 4x। आइए डी अपॉन डीएक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, डेरिवेटिव वेरिएबल कॉस्ट इसका क्या आएगा, माइनस का 360,000 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका क्या आएगा प्लस 4 आएगा। इसको 0 के इक्वल पुट कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो माइनस 360,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 360,000 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है आपको, खैर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मैंने उतना आपको बताया है, कट गया। तो 360,000 अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 90,000 एंड एक्स इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं आपके पास 300, तो एक स्लॉट में आप कितने, एक लॉट में 300 यूनिट आप लेकर के आएंगे। तो ये भी आपका अपना आंसर है और दूसरा आंसर भी आपको करना है कि कितने लॉट आप लाओगे, तो आप कितने लॉट लाओगे, आपके पास में कितने ऑर्डर देने हैं, आपने आपने देने हैं 6,000 ऑर्डर और एक बार में 300 लेकर आ रहे हो, तो 20 लॉट आपको लेकर, ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करें,
करो बच्चे इस क्वेश्चन को। करें जी इसको जल्दी से। चलिए मैं करवा रहा हूं, आप करते रहिए साथ साथ, मैं भी करवा देता हूं। ठीक है जी, देखिए वही अब आपके पास सवाल आ गया है। अ कंपनी नीड्स द एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड गिवन है आपको 80,000 यूनिट्स। देखिए और प्राइस ऑफ वन यूनिट, प्राइस ऑफ वन यूनिट 50 रुपीज, द ऑर्डरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड एट द 200 रुपीज पर ऑर्डर। यह हमेशा पर ऑर्डर कॉस्ट होता है। ₹200 और आपका होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कहते हैं उसको, होल्डिंग कॉस्ट आपका 20% ऑफ हमेशा इसका रहता है, जो एक का प्राइस रहता है, दिस वन 10 रुपीज। ठीक है जी, अब इसके बाद आपके पास में लेट ई ओ क्यू, लेट ई ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स, यहां पे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकती हैं। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा आपके पास में, टोटल कॉम्पोनेंट कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, टीसी कॉस्ट आप अलग अलग फॉर्म लिख सकते हैं कि टोटल कंपोनेंट्स अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में फुल मार्क्स देना है। तो टोटल कंपोनेंट कॉस्ट आपके पास में कितना आएगा, 80,000 यूनिट है भाई मेरे, 150 का है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो आप इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, टोटल ऑर्डर कितना है आपके पास में, 80,000 अपॉन ई ओ क्यू इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट कितना आ रहा है, पर ऑर्डर कॉस्ट 200, और होल्डिंग कॉस्ट आपके पास में क्या आ रहा है, एक्स अपॉन टू तो रहेगा ही रहेगा, और इनटू आपके पास में 10 रुपए। चल टोटल कॉस्ट निकालते हैं,
टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 8 × 5 = 40 और 4 × 5 = 0, 16, 4 × 2 = 6 = 0 प्लस 5x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टीसी अपॉन डीएक्स। क्लियर है जी, सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे पे स्पेस नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 − 1 16 लाख 1 करोड़ 60 लाख 3 × 3 = 6 = 0 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 0 तो माइनस 3 × 3 = 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, अपॉन 5 = x². ठीक है जी, तो आप इसका रूट निकालेंगे, तो खैर यहां रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, सीधा इस पर रूट ट्रांसफर कर दो। अपॉन 5 x की वैल्यू, ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 16 का 4 और 6 का 3, 5 का 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, रूट 5 निकाल लेंगे, कैलकुलेटर आपके पास में है तो आप इतना चिंता क्या करना, 5 का रूट निकाल लेंगे, 2.2360 एंड x इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 2.2360 1788.90। क्लियर है जी, क्वेश्चन में लिखा ना कि 20% आपका जो है होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट 20%। क्लियर है जी, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आप ईओक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं बात करूंगा इसकी रिवेन्यू की बात करूंगा और कुछ इस तरीके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि पहले रिवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिन रिवेन्यू क्या है, और इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस को भी हम कल की क्लासेस में, रिवेन्यू कल हो जाएगा, इलास्टिसिटी भी कल हम कर लेंगे पूरी उम्मीद है, और रिवेन्यू और इलास्टिसिटी करने के बाद लास्ट क्लास इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे और उसके बाद आपका पॉइंट यहाँ पर हो जाता है फिनिश। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू सो मच।